प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वाराणसी पहुंचे, जहां वे अस्सी घाट स्थित कुरुक्षेत्र तालाब के पास संवाद करेंगे। इससे पूर्व अजय कुमार लल्लू बड़ागांव ब्लॉक के बसनी चौराहे पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रामनगर थाना इलाके में कांग्रेस के दो पुराने सिपाहियों का हालचाल जानने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू उनके घर पहुंचे, जहां पर उनके जल्द स्वस्थ होने की भगवान से कामना की, साथ ही पार्टी से मदद करने की बात कही। वहीं मीडिया से बात करते हुए अजय सिंह लल्लू ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किसानों के विश्वास के साथ धोखा करने का काम कर रही है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान इस कड़ाके की ठंड में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पदाधिकारी रहे हैं, कार्यकर्ता है, बीमार थे, उनका कुशल क्षेम जानने आया था। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ हों, उनका हालचाल जाना और जो भी यथासंभव मदद हो सकता है पार्टी उनकी। आज तमाम विवादों के बाद कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है, क्या कहेंगे? अब देखिए, इसके ऊपर तो मैंने कई बार बयान दे दिया है, बार बार बयान देना ठीक नहीं। और किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार मांग नहीं कर रही, धोखा कर रही है, उनके विश्वास के साथ धोखा कर रही है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। इस दौरान सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे, प्रदेश महासचिव विश्व विजय सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।